Good morning everyone. This is the video for your chapter 17 of physics, that is electric current and its effect. Today we will be learning about effects of electric current, heating effect and lightning effects. So the first topic that we will be coming across is effects of electric current. Effects of electric करेंट मीन्स इलेक्ट्रिक करेंट से क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या प्रोड्यूस होता है. तो ये तो हम जानते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक करेंट में क्या प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक करेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट में एनर्जी प्रेजेंट होता है. इट हैज़ एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं. इलेक्ट्रिक करेंट कैन लाइट अप इलेक्ट्रिक बल्ब. अब इलेक्ट्रिक करेंट जो है ये क्या क्या करता है, लाइट अप, ठीक है, जलाता है किसको, बल्ब को, रन अ फैन, प्रोड्यूस हीट to keep us warm and to cook food. ये तो हम देख रहे हैं कि ये light up करता है bulb को, ये run a fan, लेकिन produce heat to keep us warm, ये क्या होता है. तो आप लोग winter time में heater use करते हैं, room heater. तो ये जो room heater है, ये इसी पर इलेक्ट्रिक करंट के ही चलते. अब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉइल प्रेजेंट होता है. अब वो कॉइल से जब करंट पास करता है तो वो ग्लो करना स्टार्ट होता है. जैसे ही वो लाइट अप होता है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है और हमें वो वार्मथ देता है. एंड टू कुक फूड, कुक फूड के लिए भी जो हमारा इंडक्शन होता है, इंडक्शन गैस स्टोव होता है, वो भी इसी पर वर्क करता है. वो गर्म होता है एंड फाइनली फिर उसमें हम लोग खाना बना सकते हैं. इट कैन बी यूज इन वेराइटी ऑफ अदर वेज एट होम और इन इंडस्ट्री. ये जो इलेक्ट्रिक करेंट है वो हर जगह यूज होता है और वेराइटी में यूज होता है. ये नहीं कि एक या दो चीज़ के लिए, बहुत सारे चीज़ के लिए हम यूज करते हैं. इन फैक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मोस्ट वर्सटाइल फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस. मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसा एनर्जी है जो किसी भी फॉर्म में हम लोग एनर्जी को यूज कर सकते हैं. हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में यूज़ हम लोग करते हैं. तो अभी हम लोग वही आगे अभी पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट. पहला जो आता है वो है हीटिंग इफेक्ट. तो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, सम ऑफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. जब भी इलेक्ट्रिक करंट, ये इसी मतलब इलेक्ट्रिक करंट, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर से, कंडक्टर पढ़े होंगे सिक्स में, दैट सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. जब भी करंट कंडक्टर से पास होता है तो वो कुछ करंट जो होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. आप वायर्स को भी टच करके देख सकते हो, वायर्स भी हीट अप हो जाते हैं. इसका मतलब अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस है, तभी तो वो वायर्स भी गर्म हो रहे हैं. तो इससे हमें ये पता चलता है कि हीट, कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक करंट का, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं. दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. जब भी करेंट को अगर पास करते हैं तो उससे जो वायर हीट हो जा रहा है, सिंपल अगर मान लो एक बैटरी लेते हैं, एक सपोज बैटरी लिए और एक वायर लिए और एक यहाँ पर बस स्विच डाल दिए, ठीक है, और स्विच को ऑन कर दिए. तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे, अगर कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि ये जो वायर है ना, वो हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. तो इससे ये पता चलता है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जो टर्मिनल में फ्लो कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि उसके अंदर
कुछ ना कुछ हीट एनर्जी प्रेजेंट है, तभी ये कन्वर्ट हो पा रहा है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो पा रहा है। एंड ये जो कन्वर्जन हो रहा है हीट का इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रिक करंट का जो हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में जो कन्वर्जन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर टू फ्लो ऑफ करंट, द ग्रेटर वुड बी हीट। जितना ज़्यादा उसको मेहनत करना पड़ा, जितना ज़्यादा हीट फ्लो करेगा वायर से, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, उतना ज़्यादा जो वायर है वो जल्दी हीट अप होगा। इसी चलते हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग कॉपर वायर यूज़ करते हैं। कॉपर वायर जो है वो बहुत ही कम करंट को आगे फ्लो करता है, वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस का होता है और वो जल्दी हीटअप नहीं होता है, ठीक है। नाइक्रोम एंड टंगस्टन ऑफर हाई रेजिस्टेंस। अब नाइक्रोम एंड टंगस्टन जो होता है ये हाई रेजिस्टेंस का होता है, हाई रेजिस्टेंस का होता है, इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करता है, और इसमें ये लो रेजिस्टेंस का होता है, ये कम करंट फ्लो का में ही किसी सब्सटेंस को हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन नाइक्रोम और टंगस्टन जो है वो ज़्यादा करंट फ्लो करता है, जिसके चलते इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और जिसके चलते ये जल्दी हीट अप हो जाता है, ठीक है। इसी चलते हम बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो क्या का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसके कारण उससे हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। बिसाइड द मटेरियल द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द वायर ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेंथ एंड द थिकनेस। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस तो है ही, हाई रेजिस्टेंस हाई करेंट फ्लो करेगा, लो रेजिस्टेंस कम करेंट फ्लो करेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, जो वायर में जो हीट जनरेट हो रहा है वो दो और चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर एंड सेकेंड है थिकनेस ऑफ द वायर। जितना ज़्यादा वॉट का वो सब्सटेंस होगा, वो इक्विपमेंट होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा हम लोग को मोटा वायर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें करंट ज़्यादा जाएगा। ज़्यादा वॉट का अगर सब्सटेंस है, सपोज फ्रिज लेते हैं, ठीक है, फ्रिज मैक्सिमम या आयरन लेते हैं, 1000 वॉट का होता है। अगर उसमें हम पतला तार लगाएंगे तो क्या होगा, उसको तो हीटअप होना है ना ज़्यादा। अब ज़्यादा करंट उसमें फ्लो करेगा, अब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, पतला वायर है तो वो जल्दी हीटअप हो जाएगा उसका वायर, और लेंथ भी मान लो छोटा है, तो लेंथ छोटा होने के कारण क्या होगा, करंट जो है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, वो जल्दी जल्दी पहुँचेगा। अब जितना जल्दी जल्दी करंट फ्लो पहुँचेगा उतना क्या होगा, वो जल्दी हीटअप हो जाएगा। इस चलते जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड जो है वो इस दो पे भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर एंड द थिकनेस ऑफ द वायर पे भी। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज यूज इन अ लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस। जो हीटिंग इफेक्ट है, जो हीट एनर्जी है, जो हीटिंग इफेक्ट है, वो इंडस्ट्री, हमारे घर, हर जगह ये यूज होता है। एग्जाम्पल, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, गीजर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, हेयर ड्रायर, ओवन, ये सब सबका देखेंगे जो वायर जो होगा ना वो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, बिकॉज ये सब सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। गीजर क्या करता है, वो पानी को कैसे गर्म करेगा, वो करंट फ्लो करता है तभी अंदर का जो रॉड होता है वो गर्म होता है, और रॉड गर्म होगा तो फाइनली वो वाटर को गर्म करता है। आयरन, आयरन ऑल्सो सेम वे, जब करंट फ्लो करेगा तो अंदर जो नीचे बेस में जो ये जो मटेरियल लगा हुआ है वो जल्दी गर्म होता है, जिसके कारण हम लोग आयरन कर पाते हैं। टोस्टर ऑल्सो सेम, जो साइड में मटेरियल लगा होता है वो गर्म होता है, जिसके कारण जो ब्रेड होता है वो टोस्ट हो पाता है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो इट इज़ द फिलामेंट दैट गेट्स सो हॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। अब बल्ब में तो दोनों चीज़ दिखता है, लाइटनिंग इफेक्ट भी एंड हीटिंग इफेक्ट भी। कोई भी बल्ब आप लीजिए, आपको तो पता है वो लाइटनिंग इफेक्ट तो दे ही रहा है, हीटिंग इफेक्ट कैसे देता है,
कभी बल्ब को टच कीजिएगा तो देखिएगा कि वो गर्म होता है। तो गर्म हो रहा है इसका मतलब अंदर से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तभी तो वो गर्म हो रहा है। तो जो बल्ब है वो लाइटिंग इफेक्ट भी देता है और हीटिंग इफेक्ट भी देता है। ऑल दीज अप्लायंसेस हैव हीटिंग एलिमेंट्स और फिलामेंट। जितने भी ये एलिमेंट्स होते हैं, जो बल्ब है इसमें क्या कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हीटिंग एलिमेंट भी है और प्लस बल्ब भी है। मेड अप ऑफ मटेरियल सच एज नाइक्रोम एंड टंगस्टन। ज़्यादातर जो भी हीटिंग इफेक्ट का जो मटेरियल होता है वो या तो नाइक्रोम या फिर टंगस्टन का बना हुआ होता है, जिसके चलते वो जल्दी हीटअप हो जाए। फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेस आर यूज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू बी जनरेटेड। ये आप लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि लेंथ को छोटा करेंगे तो हीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वायर को थिक करेंगे या फिर थिन करेंगे तो हीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है। बस इतना जानिए कि वो डिपेंड करता है दो चीज़ पर भी, हीट दैट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर एंड द थिकनेस ऑफ द वायर। वो डिपेंड कर रहा है कि वो जो मटेरियल है, वो जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है वो कैसा है, उसी पर ये दोनों डिपेंड करेगा, द लेंथ एंड द थिकनेस। नाउ लेट अस लर्न अबाउट फ्यूज। फ्यूज तो हम लोग सबके घर में यूज होता है, जो मेन जहाँ पर मीटर होता है वहाँ पर बड़ा फ्यूज होता है यूज, और जो हाउस अप्लायंसेस होता है उसमें छोटा फ्यूज यूज होता है। तो फ्यूज़ जो है वो क्या पे वर्क करता है, तो जो फ्यूज़ है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है ये किस पर बेस्ड है, ये हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट इज़ यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। अ फ्यूज़ का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रिवेंट डैमेज टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रिवेंट डैमेज टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वेरी हाई करंट सडनली पासेस थ्रू इट। इसका मतलब ये एक सेफ्टी डिवाइस है, क्या करता है, डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, डैमेज को प्रिवेंट करता है। सपोज कभी कभी होता नहीं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण बहुत हाई वोल्टेज आ जाता है, जिसके कारण हमारा बल्ब, फ्रिज, टीवी, ये सब उड़ जाता है। ठीक है, तो ये हाई करंट को क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है कि हाई करंट के चलते हमारा टीवी, फ्रिज डैमेज ना हो सके। तो जैसे ही हाई करंट फ्लो करता है तो दिस इज अ फ्यूज। ठीक है, अब ये वायर है जो कनेक्ट करता है ये दोनों टर्मिनल्स को। अब करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, जैसे ही हाई करंट फ्लो किया ये जो वायर है ना ये टूट जाता है। अब ये टूट गया तो वो तो क्लोज ओपन सर्किट हो गया, ये तो क्लोज सर्किट अब रहा नहीं, जो दोनों के बीच में जो लिंक था वो तो टूट गया वायर टूटने के कारण। तो जैसे ही वो वायर टूटता है अब करंट फ्लो नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो हमारा जो डिवाइस है, जो भी हमारा टीवी, फ्रिज, ये सब जो डिवाइस है उसको डैमेज से ये प्रोटेक्ट कर देता है। तो अब होगा क्या, सच ए सिचुएशन कैन अकर व्हेन फॉर एग्जांपल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर इन एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर होम और एनीवेयर कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट। सपोज कभी ये सिचुएशन कब होगा, हाई करंट कब फ्लो करने लगेगा, दो वायर गया है हीट के कारण दोनों एक दूसरे से सट गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो एक ही में हो गया, जिसके चलते हाई करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, अब हाई करंट जैसे ही हुआ तो इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट होना। जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जैसे ही एक दूसरे से सट जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट हुआ, हैवी करंट फ्लो करने लगेगा,
वायर में हैवी करंट फ्लो करने लगेगा एंड वायर गेट ओवर हीटेड एंड कॉज अ फायर। पता चला यहाँ पर वायर ओवर हीट हो गया और आग लग गया तेज करंट फ्लो करने के कारण। तो मेनी फायर्स एंड कॉजेज द फायर, जब यहाँ आग लग गया तो मेनी फायर एक्सीडेंट्स अकर बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट। जिस जहाँ भी देखते हैं आग लगता है या करंट लगता है, करंट से डाई कर गया, तो ये सब शॉर्ट सर्किट के कारण ही होता है मेनली। सो अ फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन अलॉय दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल विच हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो हम लोग जो फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं वो सही फ्यूज़ वायर नहीं होता है। वो क्या का बनता है, हम लोग तो कॉपर लगा देते हैं, लेकिन जो मेन फ्यूज़ वायर होता है ना उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम लोग घर में क्या करते हैं, कोई भी वायर, कॉपर वायर लगा देते हैं। सो ये जो हमारा फ्यूज़ वायर है, ठीक है, ये क्या का बनता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी मेटल्स, ठीक है। द हीट प्रोड्यूस टू द हाई करंट क्विकली मेल्ट, जैसे ही इसमें हाई करंट आता है ये मेल्ट कर जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में कॉपर वायर यूज़ कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए, जिसके कारण करंट फ्लो जब हाई करंट आता है तो ये मेल्ट नहीं कर पाता और वो डैमेज करता है हमारे पर्टिकुलर मटेरियल सब्सटेंस को, जो भी सर्किट है, जो भी डिवाइस है उसको इफेक्ट करता है। दस द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट, अब ये मेल्ट करेगा एंड उसको ब्रेक कर देता है सर्किट को। जैसे ही सर्किट ब्रेक हुआ करंट फ्लो अब नहीं हो पाता है। दस अ फ्यूज वायर प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू सडन हैवी करंट विच मे अराइज ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द हाउसिंग वायर और इन द प्लांट्स। तो फ्यूज वायर क्या करता है, प्रिवेंट करता है डैमेज से जब भी हाई करंट फ्लो करता है, या फिर वो किसी भी कारण से हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है हमारे घर के वायरिंग में, ठीक है, या फिर कुछ अप्लायंसेज में भी डिफेक्ट हो सकता है। एवरी सर्किट इन द हाउस मस्ट हैव अ फ्यूज, इसी चलते देखते होंगे एक मेन मीटर के पास फ्यूज होता है और एक जितने भी स्विच बोर्ड होते हैं वहाँ पर फ्यूज होता है। द डिवाइस द सिंबल ऑफ फ्यूज वायर इज ऑल्सो सोन, अ फ्यूज वायर का तो हम लोग देख सकते हैं फ्यूज कैसा होता है, वो तो अभी हम लोग देखे ही। एंड नेक्स्ट इज अ डिवाइस कॉल्ड MCB, जिसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये MCB है, इज कॉमनली यूज इंस्टेड ऑफ और एडिशन टू फ्यूज। तो ये फ्यूज तो यूज होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी MCB भी यूज होता है। ये मेनली यूज होता है कहाँ पर, तो जो भी हमारा AC ये सब होता है उसमें भी ये यूज होता है कि हाई करंट आए तो वो नीचे ड्रॉप हो जाए, गिर जाए, ठीक है, या फिर मीटर के पास भी MCB लगा हुआ होता है। तो MCB का काम क्या है, जब भी हाई करंट आता है तो वो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है। MCB क्या है, तो इट इज़ अ स्विच दैट ऑटोमेटिकली स्टॉप्स द करेंट इन अ सर्किट इफ द करेंट इन इट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड मैक्सिमम लिमिट। मीन्स ये एक ऐसा स्विच है जो खुद ऑटोमेटिकली बंद कर देता है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है, जब करंट जो है वो अपना मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर देता है, जब बहुत हाई करंट फ्लो करने लगता है तो ऑटोमेटिक ये स्विच क्या करता है, बंद हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।